ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको ना बहुत ज्यादा जो है मदद मिलेगी अपने स्किल को ग्रोथ करने में, और आपको यहाँ पे जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसे आप जो है दूर कर सकते हैं। अगर आप स्किल्ड प्रोग्राम कुछ भी सीख लेते हैं ना, तो ये सारी चीजें जो है आप अपना जो है स्किल को डेवलप करके कहीं भी जॉब वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आपका यहाँ पे इनरोलमेंट होता है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है आपके अपने जिला में, आपके अपने ही ब्लॉक स्तर पे जो है ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है। और इसके लिए आप देख सकते हैं 18 से 35 वर्ष की जो है आपकी उम्र होनी चाहिए, और कम से कम 10वीं क्लास पास होनी चाहिए। और यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है ना फ्रेंड्स, वो मेरिट के बेस पे होता है, जो आपके मैट्रिक में जो परसेंटेज होता है उसके बेस पे होता है। तो सबका सिलेक्शन यहाँ पे ये लोग कर ही लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन भी नहीं लगता है, और यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह कुछ भी लागू नहीं होता है। अटेंडेंस 75% आपको जरूरी होता है, और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 3 वीक, 4 वीक, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक का जो है यहाँ पे आपका रहता है। और लास्ट में ये लोग आपको जो है एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका ना कम से कम 55% रिटेन में और 60% प्रैक्टिकल में अंक लाना जरूरी होता है। और वो सर्टिफिकेट बहुत ही ज्यादा जो है बेनिफिट करता है जब भी आप कहीं पे जो है ना जॉब के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और एक आईडी प्रूफ जैसे आधार, बैंक पासबुक, राशन कार्ड कुछ भी एक हो सकता है, और एक अफिडेविट 10 रुपए का स्टाम्प से बनवाना होता है, किसी भी कोर्ट से बनवा सकते हैं, और एक मेडिकल सर्टिफिकेट नॉर्मल जो आपको उसमें मेंशन हो कि आप जो है बिल्कुल फिट है, कोई आपके अंदर दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की मेडिकल दिक्कत आपको नहीं है। तो ये रेलवे के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है। अगर आप लेना चाहते हैं ये ट्रेनिंग, तो आप ले लीजिए, क्या पता आगे फ्यूचर में आपकी जो है मदद मिल सके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से, या आपको जॉब मिलने में मदद कर दे। तो चलिए जानते हैं कि इसमें आप कितने प्रकार के जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं, और इसके लिए जो है क्या क्या जो है आपको करना होता है। जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से जो है ट्रेड्स होते हैं। अनाउंसमेंट वगैरह हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका 6 अगस्त के डेट में जो है आपका अनाउंसमेंट वगैरह किया गया है, और ऊपर में भी आपको अनाउंसमेंट देखने को मिला था। और यहाँ पे ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में आप देखेंगे यहाँ पे एसी मैकेनिक, बार बेंडिंग, बेसिक ऑफ आईटी, एसएनटी इन इंडियन रेलवे, कारपेंटर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर बेसिक, कंक्रीटिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट फिटर, तमाम जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे फिटर चूज किए, तो फिटर में देखेंगे ड्यूरेशन 18 दिन का ट्रेनिंग होता है, और यहाँ पे की लर्निंग आपको क्या मिलेगा 18 दिन में, आपको क्या सिखाएंगे, कितने कितने घंटे का ट्रेनिंग होता है, ये सारा चीज आप यहाँ पे जो है अच्छे से देख सकते हैं। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट की, तो इंस्टीट्यूट भी आपको यहाँ पे बताया गया है, यहाँ से आप इंस्टीट्यूट भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप देखना चाहते हैं बिहार का, आप यहाँ बिहार डालेंगे तो बिहार में जितने भी इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका बिहार में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आपको फिटर की ट्रेनिंग दी जाती है, 35 बैच की कैपेसिटी है। यहाँ पे आप देखेंगे और भी है, मुंगेर में है, नालंदा में है, ठीक है ना, मैकेनिस्ट वेल्डिंग की है, फिटर वेल्डिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट की आपका जो है पटना में है, ये देखिए कटिहार में आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। ऐसे आप सर्च कर सकते हैं, इसका शेड्यूल वगैरह देखना चाहते हैं शेड्यूल भी देख सकते हैं, ये सब जो आपका शेड्यूल में आया हुआ है। तो चलिए अब हम अनाउंसमेंट में नहीं, अब आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। हु कैन अप्लाई में आपको यहाँ पे बता दिया गया, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे आना है, अप्लाई हियर पे ऑप्शन मिला, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए समझिए, प्रॉपर अच्छे समझिए, आपको मैं होम पेज पे लेके आता हूँ। कॉर्नर पे देखिए साइनिंग, साइन अप ऑप्शन मिला, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पासवर्ड एक बना लेंगे और साइन अप पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको ना ट्रेनिंग के लिए साइन अप यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा आप नीचे भी आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको अप्लाई हियर का ऑप्शन मिलता है, इसे क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्टली फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। जो नया बैच है यहाँ पे 7 अगस्त के डेट में नोटिस आया उसके बारे में, और आप किस राज्य में अप्लाई करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप बिहार में कहाँ मतलब अपना ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कटिहार है, और भी आप देख सकते हैं मल्टीपल जो ट्रेनिंग सेंटर, सर्च पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि बिहार का कौन सा इंस्टीट्यूट है और कौन कौन सा जो है ट्रेनिंग मतलब ट्रेड है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे सब चीज देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको आगे चल के साइन अप साइनिंग करना ही होगा, अगर आपके पास अकाउंट है तो साइनिंग करेंगे, नहीं तो यहाँ पे साइन अप करना होगा, तो एक बार वो चेक करने का ऑप्शन है। तो यही देखिए आपको फिर से जो है साइन अप वाला ही पेज पे ला दिया, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, दो तरीका आपको बता दिया। यहाँ पे आप भरेंगे और साइन अप पे क्लिक करेंगे, साइन अप करते हैं फ्रेंड्स, आपका साइन अप सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, कॉर्नर पे देखेंगे तो आपका नाम शो हो जाता है, और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन फॉर द 36th बैच सितंबर 2024 आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पब्लिश किया गया 7 अगस्त के डेट में, और यहाँ पे बताया गया कि एप्लीकेशन विंडो रिमेन ओपन जो है 8 अगस्त बताया गया है से लेकर 21 अगस्त तक आपका जो है ये आवेदन आप कर सकते हैं। इसमें आप जो है जाना चाहते हैं तो आप अपना आवेदन दे सकते हैं, तो यहाँ पे ऊपर में ये दिखाया गया है। अब यहाँ पे आप अगर नीचे आएंगे अप्लाई का बटन, इस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन चूज करना है और किस राज्य से आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सभी राज्य देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और सर्च करेंगे आप बारी बारी से जितने इंस्टीट्यूट है सबको आप सर्च करके देख सकते हैं, और ट्रेड वगैरह भी चेक कर सकते हैं। आप इसका देखना चाहते हैं इसका देख लीजिए, अगर आप उसमें एलिजिबल है तो आप जाइए वहाँ पे मतलब अप्लाई करिए। जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको देखिए ये वाला आगे आपका पटना में ये है, जिसका भी देखना चाहते हैं फ्रेंड्स उस पर आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये रेलवे के साथ काम करने का आपको अच्छा मौका मिलेगा फ्रेंड्स, और सरकार यहाँ पे आपको ना पूरी व्यवस्था के साथ आपको जो ट्रेनिंग देगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको जो है ट्रेनिंग दे देगी, नहीं, अच्छे से ट्रेनिंग देगी ताकि आपको नॉलेज बढ़े, आप और ज्यादा जो है मतलब काबिलियत हो आपके अंदर, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और आप काम करने में सक्षम हो आगे चल के। चलिए इसे करते हैं सबमिट। यहाँ पे लास्ट अवॉइड वन प्रीफरेंस, अच्छा यहाँ पे प्रीफरेंस पूछ रहा है, आपको प्रीफरेंस देना है, तो किसका पहला प्रीफरेंस यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे आपको ना अप्लाई का बटन इनेबल होगा, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अभी आप देख रहे हैं ना बिहार का मैं आपको दिखा रहा था, तो यहाँ पे नहीं आ रहा था अप्लाई बटन, मैं आपको और एक बार दिखाता हूँ। देखिए बिहार पे मैं जाके और कोई भी यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अप्लाई बटन हट जा रहा है, देख रहे ना, सितंबर बैच बिहार में आया ही नहीं है, तो बिहार में यहाँ पे नहीं चल रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं उत्तर प्रदेश का, आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश का देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया, और देखिए यहाँ पे अप्लाई का बटन आ गया, मतलब आपको प्रीफरेंस कम से कम देना है, एक प्रीफरेंस देना ही देना है। तो आपको यहाँ पे प्रीफरेंस देने के बाद आपको सबमिट कर देना है, और भी अलग अलग राज्य का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे, और यहाँ पे आप सर्च करके देखेंगे, अगर यहाँ अप्लाई का बटन
अवेलेबल होगा तो समझे उस राज्य में आपका ट्रेनिंग चल रहा है। बाकी राज्य का अगर देखना चाहते हैं तो उस राज्य देखिए, यहाँ पे आपको झारखंड में चल रहा है ये वाला इलेक्ट्रिकल वाला पद पे, तो ऐसे आपको देखना होगा, समझ रहे ना। पहले आप रिसर्च कर लीजिए कहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और देख लीजिए, यहाँ पे एड्रेस भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये एड्रेस के थ्रू भी आप यहाँ पे एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और जहाँ पे अप्लाई बटन इनेबल होगा समझिए वहाँ अप्लाई का आएगा, समझ रहे ना। अब यहाँ पे मैं चूज किया और सबमिट करूंगा, सबमिट करते ही आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, श्योर है, ओके करेंगे। ओके करते ही अब यहाँ पे आपका जो है फॉर्म ये सबमिट होना शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स लिखेगा यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, यहाँ पे दिखा देगा मतलब आपने अप्लाई कर दिया। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप जो है एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने किस वाले पद पे अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पे आपको जो है प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रिंट आउट निकाल लेना, इसको आपको जो है वहाँ लेके जाना है जब आपका सिलेक्शन होगा। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ, तो यहाँ पे आपको ना दोबारा लॉगिन करेंगे। तो देखिए मैंने बहुत पहले आवेदन किया था जब 2022 में आया था, तो लिख रहा है कि नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर गिवन प्रीफरेंस। तो इससे दिखाएगा आपका एप्लीकेशन सबमिट है, तो जैसे लास्ट डेट खत्म होगा तो आप लॉगिन करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आप सबमिटेड किए थे, तो आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुए रहेंगे शॉर्टलिस्ट वहाँ जाकर आप ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे। अगर आप विड्रॉ करना चाहते मतलब नहीं चाहते कि हम यहाँ पे जाएं, तो आप विड्रॉ एप्लीकेशन करके भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो इनका हेल्प डेस्क दिया हुआ है, यहाँ से आप कॉन्टैक्टर्स या यूजर मैनुअल एफएक्यू वगैरह पढ़ सकते हैं। अनाउंसमेंट पढ़ना चाहते तो अनाउंसमेंट वगैरह भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट और देखना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट देख सकते हैं। अगर आप डेबिट वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं, जो सर्टिफिकेट आपको बनवाना है अफिडेविट का परफॉर्मा जो आपको लगेगा और सर्टिफिकेट जो आपका मेडिकल का परफॉर्मा, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके उसे बनवा सकते हैं। यहाँ से आप जो है व्यू करके देख सकते हैं, ये देखिए आपका अफिडेविट का परफॉर्मा है। किसी भी आप जो है जाएंगे नॉन जुडिशियल स्टाम्प खरीदेंगे 10 रुपए का और वहाँ कोर्ट जहाँ होता है वहाँ अपना जानकारी भर के यहाँ जहाँ डॉट दिया हुआ है और अपना जो है बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है देखना चाहते हैं सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है। किसी भी एमबीबीएस गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिकल ऑफिसर के पास, वो आपका ये बना देगा आपके सारी जो है बॉडी को चेकअप करके। तो आशा करता हूं आपको जानकारी समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।